वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. जल्दी से क्लास में आ जाओ, जल्दी से क्लास को शेयर करो. आप सभी का स्वागत है आपके नीट जेईई एग्जामपुर चैनल पर. चलिए रोशनी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बच्चे. प्रीति रायदास, गुड इवनिंग. रेशम शमीम, रोशनी. हार्टलेस, हार्टफुल हो जाओ. जिसके लिए लेस हो रखा है वो बेकार की बातें हैं. ठीक है, चलो वो अपने जिंदगी में आगे चले जाएंगे बहुत ज्यादा, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे लेस के साथ. ठीक है, चलिए. प्लीज मैम कुछ करिए पीडीएफ. एक मिनट रुको, पहले बच्चे का कमेंट रुको. आ जाएगा शाम तक, आ जाएगा न्यू सेक्शन. बात कर लिया मैंने तो, परेशान नहीं होंगे. ठीक है, चलो. शेख मोहसिना, गुड इवनिंग टू एवरीवन. चलिए कुछ नहीं करना, शाम तक आ जाएगी, परेशान मत हो. ठीक है, चलो पहले तो बेसिक यू नो इंट्रो से बेसिक. जस्ट अ मिनट, चलिए. ध्यान देंगे. चलिए हार्टलेस गर्ल है और वो ही आगे चली जाएगी. लगता है बेटा आपको गर्ल्स की तो छवि ऐसी बनी हुई है. जब खैर कोई नहीं, हार्टलेस कोई भी होता है वो पीछे ही रह जाता है. इसलिए तो मैंने आपको कहा कि उसको हार्टफुल कर लो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा. जिसकी वजह से आप हार्टलेस हो, कितना आपसे आगे पहुंच गया और आप वहीं के वहीं रह जाओगे. है ना, तुमनी मैम की बात मानो. सब बेकार है, सब मोहमाया है. ठीक है, बस क्या है कहां आपकी जो आप सीख रहे हो ना, जो आप एजुकेशन में आगे जा रहे हो, वही आपके साथ रहेगा. एक यही चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी. एक यही चीज है जो आपको आपके हर नेगेटिव हर एक पॉजिटिव में संभाल के रखेगी. ठीक है, ये नहीं है कि आपके नेगेटिव देखे तो आपको साइड करके भाग गए. ठीक है, हाँ ऐप पर आएगी बेटा. सब मोह माया है सिवाय आपके एग्जाम और आपके जो आपके एम्स है उसके. हाँ भाई, अपना एम्स अपने एम चेंज मत कर देना. भाई चलते एम को ही ऐसा बना लिया. मैम हमारा एम तो उसको पाना है, आपने तो कहा था वही है सब कुछ. ठीक है, चलो. एक्स की पावर एन, अगर लाइक सपोज कि आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स की पावर एन बच्चे डी एक्स का, तो ध्यान से देखना कैसे करोगे. ये आपका क्या हो जाएगा, देखो x की पावर n प्लस वन. ठीक है, यहाँ पे देखो x की पावर n प्लस वन, नीचे क्या आ जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इस वाले इंटीग्रेशन में जहां पर भी वो आपको समाकलन निकालने के लिए बोल रहे हैं, उसने लिमिट नहीं बताई है. ठीक है, लिमिट उसने नहीं बताई है, तो एक c कांस्टेंट मेरे बच्चे ऐड हो जाता है. क्या ऐड हो जाता है, एक c कांस्टेंट की वैल्यू ऐड हो जाती है. आपको ये चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि आपका n माइनस वन के इक्वल नहीं हो सकता. आपका n माइनस वन के बच्चे इक्वल नहीं हो सकता. ये चीज, ये कंडीशन आपकी इसके साथ एप्लीकेबल है, तो ध्यान में रखेंगे. समझ में आई बात. चलो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जब आपका n माइनस वन होगा तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो बात की बात है. लेकिन इसके लिए आप ध्यान में रखेंगे कि आपका n माइनस वन के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, ये था आपका भैया इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला. लेट सपोज कि अगर अब हम एग्जाम्पल लेना शुरू करें, तो पहला एग्जाम्पल हम क्या ले लें, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम x dx का. पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, x dx का. तो यहाँ पर बच्चे अगर आप n देखते हो, यहाँ पर अगर आप n को देख पा रहे हो, श्वेता सिंह इतना अंदर मत जाओ, मैथ्स का एग्जाम नहीं है. ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखो
उसकी लिमिट नहीं है तो एक सी कांस्टेंट ऐड हो जाता है, सिर्फ इतना, ठीक है। डेफिनेट जब लिमिट आ जाएगी तो सी की वैल्यू ऐड नहीं होती, समझ में आई बात। श्वेता सी क्यों आता है, कैसे आता है, उसको सबको जाने दो, ठीक है। सुनील महल, मैम आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? स्टूडियो से, स्टूडियो में भाई हम अभी इस वक्त पे, घर पे ना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो पावर कितनी है, 1, यानी कि n कितना हो गया बच्चे आपका 1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से खोलोगे तो 1 + 1 = 1, तो ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा, x की पावर 2 और 2 और प्लस में c आपका निकल कर आएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। चलो अब और हम इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स सपोज कि इससे भी पहले अगर आपने एक एग्जांपल ले लो, क्या dx का एग्जांपल ले लो। चलो मुझे ये बताओ कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। आज कैलकुलेशन खत्म है, कल वेक्टर शुरू हो जाएगा। आज कैलकुलेशन बच्चे खत्म है, कल वेक्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है रणवीर सिंह। चलो तो dx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था जब किसी की भी पावर आप जीरो लगा देते हो ना, लेट सपोज आपने a की पावर जीरो लगा दी तो ये कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो क्या आप इसे dx की जगह आप x, ये x की पावर जीरो और dx लिख सकते हो? कोई चेंज हुआ? कोई भी चेंज नहीं हुआ मैम। कुछ चेंज हुआ? कुछ भी चेंज आपका नहीं हुआ, ये तो वैसे भी 1 ही रहेगा। तो चलो अगर आप यहां से देखोगे तो ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप n देखोगे, n आपका यहाँ क्या है, 0, 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, तो ये बच्चा आपका कितना आ जाएगा, x की पावर 1/1। तो ये आप क्या लिख सकते हो, इसको x लिख सकते हो, प्लस में आपका बच्चे कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि dx का इंटीग्रेशन बच्चे क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन आपके पास x निकल कर आता है, ठीक है। चलो अगर आप बच्चे थर्ड पॉइंट की तरफ देखोगे, लेट सपोज आप क्या ले लो, आप क्या ले लो, एक्स स्क्वेयर dx ले लो। अब बताओ कैसे करोगे, एक्स स्क्वेयर dx ले लीजिए, बोलिए क्यों एग्जाम्पल ऐप में सर्वर एरर है। एक बार दोबारा से अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके देखो, प्रीति रायदास, ठीक है। क्लास डेली होती है, जी हाँ बच्चे क्लास आपकी डेली होती है। अब बच्चे अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर dx को अगर आप देखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखो n कितना है यहाँ पर 2, तो n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1 होता है, यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस में 1 और नीचे कितना आएगा 2 प्लस में 1, तो ये बच्चे आपका कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस अपॉन में 3 प्लस में c। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है तो बोल दीजिए कि हाँ मैम समझ में नहीं आ रही। यहाँ देखो अगर आपको दिया है 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर dx, अब बताओ इसका कैसे करोगे। अगर आपको लेट सपोज दे दिया 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर dx, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जल्दी बोलो 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर dx को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x की पावर -2 dx लिख सकते हो? कहेंगे यस मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपका n क्या है, यहाँ पर आपका n -2 है, तो यहाँ बच्चे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा x -2 n प्लस में 1 और -2 प्लस में 1, ठीक है। ये इसको फर्दर सॉल्व करो तो x की पावर -1 -2 प्लस में 1 कितना, ये आपका कितना आ गया -1 और नीचे भी कितना आएगा -1, तो ये बच्चा आपका कितना आ जाएगा -1/x प्लस में c, -1/x प्लस में c। कितने बच्चों का आंसर कैलकुलेट आप कर पा रहे हो, इतना बताओ जल्दी से, कितने बच्चे आप में से कैलकुलेट कर पा रहे हैं आंसर अपना, जल्दी बोलो। जल्दी बताएं, आया जी। श्वेता खन्ना वेरी गुड, धीरज सिंह वेरी गुड, चले आगे चले बच्चे। चलो डॉक्टर सुनी वर्मा, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया ये बताओ। आप 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर बच्चे आपकी कैसी हो जाएगी, ये पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। इस वक्त तक आते आते मेरा दिमाग इतना थक जाता है आप लोगों के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि बस जल्दी से क्लास ओवर हो जाए,
एक बार और करा रहे हैं भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने ना आज एक शॉर्ट बनाया, आप उसको देखना कि आप लोगों को नीट 2023 में बच्चे क्या क्या गलतियां नहीं करनी, प्लीज उसको जाके देखना और आप उसको फॉलो करना, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने लेकर आती हूँ, अगर आप उनसे कुछ सीख गए तो बेहतरीन है, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा आपके पास, ठीक है। तो एक्स की पावर माइनस टू आपने रखा, अब ये एन आपका क्या बन गया, एन आपका माइनस टू है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो एन की जगह रखोगे क्या, माइनस टू ही तो रखोगे, तो यही तो किया यहाँ पर, माइनस टू प्लस में वन, नीचे आ गया माइनस टू प्लस में वन, इसको सॉल्व करोगे एक्स की पावर माइनस वन, नीचे आएगा माइनस वन। अब एक्स की पावर माइनस वन को आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, एक्स की पावर माइनस वन को आप कैसे लिख सकते हो, वन बाय एक्स लिख सकते हो ना, और माइनस का साइन ऊपर आ गया, क्या दिक्कत है। चलो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मेट देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट फॉर्मेट देखो कि लेट सपोज when n equals to minus 1, यहाँ पे देखना, जब आपका n क्या है, जब आपका n minus 1 है, जब आपका n बच्चे क्या है minus 1 है, इस पे तो बच्चे आपका ये वैलिड नहीं था, इस पे आपका इंटीग्रेशन वैलिड ही नहीं था, तो मैम आप कैसे करेंगे, यहाँ देखो लेट सपोज कि आपको दे दिया गया 1 by x, ठीक है, लेट सपोज किसने आपको क्या दे दिया, 1 by x dx दे दिया, ठीक है। इसको आप बच्चे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे x की पावर माइनस वन डी एक्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x की पावर माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, या तो वो आपको इस फॉर्म में देगा या फिर वो आपको इस फॉर्म में देगा, आपको इन दोनों में से वो बच्चे किसी भी फॉर्म में दे, आपको क्या करना है, वन बाय डी एक्स करना है, ठीक है। और इसका क्या होता है बच्चे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ई एक्स होता है, प्लस में क्या लगाओगे, सी लगाओगे, इसका इंटीग्रेशन बच्चे आपका क्या होता है, लॉग ई एक्स होता है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बच्चे बताया था कि इंटीग्रेशन बच्चे जो आपका है, इंटीग्रेशन एंड बच्चे जो आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो बच्चे आपका इंटीग्रेशन और बच्चे जो आपका डिफरेंशिएशन है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे प्रोसेस है, ये दोनों बच्चे एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस है, ध्यान से समझो बात को, ठीक है। यानी कि अगर आपको बात याद होगी, जब हमने log x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया था वो कितना आया था, 1 by x आया था, और जब हमने 1 by x का इंटीग्रेशन किया तो बच्चे आपका क्या आया, आपका log x आया, ये बच्चे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसमें ये नहीं करेंगे कि आपने ले लिया x की पावर माइनस वन और आपने यहाँ पे n को माना माइनस वन, ठीक है, n को आपने क्या माना, आपने यहाँ पर n को क्या ले लिया, n को मान लिया माइनस वन। तो जब आप इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ देखो n प्लस वन अपॉन में क्या होता है, n प्लस वन, यहाँ देखिए क्या आता है बच्चे आपका यहाँ पर x, यहाँ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले पे गौर करो, x n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, समझ में आई बात कि क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि बच्चे जब आप यहाँ पर माइनस वन प्लस वन लिखोगे, माइनस वन प्लस वन लिखोगे, तो ये वाली वैल्यू तो आपकी हो गई जीरो, ये तो आपका आ गया वन, लेकिन ये बच्चे आपका क्या आ गया, जीरो, जो कि आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अगर आप इस तरीके से करोगे तो बच्चे आपका ये वैलिड नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि n इक्वल्स टू माइनस वन पर मेरे प्यारे बच्चे ये क्या नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये नॉट डिफाइन आपका आ रहा है, ये क्या आ रहा है बच्चे आपका, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपका x अगर माइनस वन दिया है या इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में भी दिया है तो भी आप पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, और 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ex plus में c। लेट सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल बच्चे और ले लो, क्या ले लो, tan dx, मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना है, जल्दी बोलो बच्चे, इस वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन बताओ कि कितना आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। देखो जब भी आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कांस्टेंट नंबर होता है ना, तो
तो वो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। अंदर बचे आपके पास क्या बचेगा, dx, और dx का इंटीग्रेशन मैम ने कितना बताया है, x होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आपके पास आएगा 10x प्लस में c, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 10x प्लस में c। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो क्या है, 10x मत लो, वो ले लो आप 20x dx, बताइए अब 20x dx, ठीक है 20x dx, तुम्हारी इन फालतू की बकवास का ना कोई 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 भी अस्तित्व नहीं है, पता है, आउटपुट इज जीरो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में अगर तुम ऑफलाइन में होते तो तुम्हारा क्या होता, तुम बहुत पिटते हो उससे, पता है, कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा आपको पूरी पंचायती है सभी को, कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या लिख के भेजा, किसने क्या बोला, केस कर लो एक दूसरे के ऊपर, जाओ। 20x प्लस में c, सुनी वर्मा कह रहे हैं 20x प्लस में c, मुंह पे खिंचा के लगा लो अपने। वैष्णवी कह रहे हैं 20 कैसे हो गया, चलो देखते हैं, आ जाओ, ठीक है आ जाओ। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, जब भी अगर आपके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट नंबर होगा तो उसको आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। आपने क्या किया, 20 को बाहर निकाला, अंदर बचा x, और x का क्या होता है बच्चे, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 10x स्क्वायर प्लस में c निकल कर आया है, 10x स्क्वायर प्लस में c निकल कर आएगा, यस बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 20x स्क्वायर नहीं होगा, अपॉन में 2 भी आएगा, जिससे वो वैल्यूज आपकी वो वैल्यू कैंसिल होगी। एक्चुअली में तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एक दूसरे के ऊपर केस करो, इसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, है ना, हम इतने इंपॉर्टेंट पर्सन को हमने उसने हमें ऐसा कह दिया, कैसे कह सकता है। अपने ईगो लेवल को ना बिल्कुल शून्य पे ले आओ, यू आर नथिंग, यू आर अभी अभी आप कुछ भी नहीं है, समझ में आई बात, सिर्फ अपने आप को बनाने पे फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है जो क्लास के बीच में मैं आपको कहती हूँ, ठीक है। कोई अगर बेइज्जती कर रहे हैं ना, सर झुका के, हाँ भाई ठीक है, हाँ बहन ठीक है, हम यही हैं, ठीक है, और लेकिन साइलेंटली अपने ऊपर वर्क करते रहो, अपने अपने लिए कार्य करते रहो, समझ में आई। दुनिया को क्या दिखाना है आपको, यहाँ देखो 10² प्लस में c। चलिए अब मैंने आपको एक 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 बात और बताई थी, क्या, कि e की पावर x बच्चा, e की पावर x जो एक्सपोनेंशियल होता है ना आपका, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट करो, चाहे जिसको आप डिफरेंशिएट करो, दोनों में इसका रिजल्ट कैसा आता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका दोनों में सेम ही आता है, दोनों में रिजल्ट, इसका आउटपुट कैसा आएगा आपका, इसका आउटपुट बच्चे सेम ही आएगा, क्लियर हो गया। चलो अच्छा एक चीज और ये भी आपको याद रखना है कि log ex और dx अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको log x का इंटीग्रेशन निकालने को दिया हुआ है, तो ये बच्चे आपका क्या आएगा, ये आपका आता है x log ex माइनस x, ये भी बच्चे आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको सारी बातें याद में रखनी है, ठीक है। हाँ इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बच्चे आपका सेम ही होता है, क्लियर हो गई बात, नहीं हुई है तो पूछ लो जल्दी से, नहीं हुई तो पूछो फटाफट पूछो, यस। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, अब आगे आ जाओ, आगे क्या, आगे 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 देखिए, अब आगे क्या है, आगे बच्चे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आगे क्या है आपके पास, आगे है बच्चे आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप देखेंगे। चलो आ जाओ, लेट सपोज कि आपको कहा गया बच्चे इंटीग्रेशन करो किसका, आपको कहा गया इंटीग्रेशन करिए साइन एक्स का, आपको कहा गया इंटीग्रेशन करिए कॉस एक्स का,
ठीक है ना बच्चे, साइन एक्स का करो, कॉस एक्स का करो। और आपको क्या कहा गया, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं आपका हो गया sec स्क्वायर x dx। और आपको कहा गया कि cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करो। तो बच्चे आप ये बताओ इन सब के इंटीग्रेशन आपके क्या आएंगे, sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। देखो sin x का बच्चे आपका क्या होता है, माइनस cos x होता है। कोई लिमिट है नहीं है तो क्या आएगा, मैम ने क्या बताया था, c ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए cos x का बच्चे आपके पास क्या होता है, प्लस sin x होता है। चलो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आपका सी हो जाएगा। सेक का बच्चे आपके पास क्या होता है, सेक का आपके पास टेन होता है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टेन एक्स प्लस में सी आ जाएगा। ठीक है, और कॉसेक का बच्चे आपके पास क्या होता है, इसका आपके पास होता है माइनस कॉटेक्स प्लस में सी। याद रखेंगे सारी वैल्यूज को, याद रखेंगे आप लोग, बोलो हाँ या ना, जल्दी से जल्दी बताओ याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, जल्दी बोलो। हो गया क्लियर, यहां तक लिख लिया आपने ये सारी वैल्यूज या नहीं। जी सिर्फ याद ही नहीं रखना है, जो जो डीपीपी दूंगी उसको भी प्रैक्टिस करना है। समझ में आई बात, ये नहीं कि सब कुछ भूल गए आप लोग, ऐसा मत करना। ठीक है चलो। अच्छा यहाँ पे तो ये चार ही हुए ना, अभी हमने कौन सा नहीं लिखा, अभी हमने बच्चे इसके अंदर टेन एक्स का नहीं लिखा, नहीं टेन एक्स का तो नहीं, अभी तो पूछो, अभी हमने इसके अंदर किसका नहीं लिखा। ये सारी वैल्यूज तो आपकी हो गई, साइन का लिख दिया, कॉस का लिख दिया, चलिए यही था बस। नीरज कुमार बस यही थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज होते हैं ना। अब एक चीज और आप इसको ध्यान में रखेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना ठीक है। एक्स प्लस बी वाली टाइप्स को देखना एक बार, एक बार आप लोग ए एक्स प्लस बी वाले टाइप्स को देखना। लेट सपोज आपके पास क्या है, आपके पास है साइन ए एक्स प्लस में बी, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, साइन ए एक्स प्लस में बी ठीक है, और आपके पास क्या है कॉस ए एक्स प्लस में बी, और आपके पास क्या है साइन लिया था कॉस लिया था, sec ले लो और cosec ले लो ठीक है ना, sec ले लो और cosec ले लो, इसी को ले लेते हैं sec square x, नहीं sec square ax plus में b dx। क्या बच्चे आपके पास sec square ax plus में b dx। नेक्स्ट आप कौन सा ले लो, नेक्स्ट आप ले लो cosec, चले बताए देखिए। अब साइन ए एक्स प्लस बी है, आपको क्या करना है, आप इसको नॉर्मली सोचो कि बच्चे ये ए एक्स प्लस बी ना होके ना ये सिर्फ साइन एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे आपके पास क्या होता है
माइनस कॉस एक्स होता है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये कितना आएगा बच्चे, ये आपके पास आएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और आपको नीचे इसमें ए से डिवाइड करना है, प्लस में आ जाएगा सी, जो आपका सी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको कि आपको ए एक्स प्लस बी को एज अ एक्स ही इमेजिन करना है। ठीक है, तो साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का बच्चे आप कहेंगे साइन एक्स का मैम होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स क्या था हमारा, ए एक्स प्लस बी, और ए से इसको डिवाइड करना। अच्छा, कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे किससे डिवाइड करोगे, ए से, प्लस में बच्चे कितना आ जाएगा, प्लस में आपका आ जाएगा सी, प्लस में कितना आएगा आपका सी आएगा। सेक का कितना होता है, सेक स्क्वायर का, ये आपका होता है टेन ए एक्स प्लस में बी, और नीचे कितना आ जाएगा ए, प्लस में सी। अच्छा जी, कॉसेक क्या क्या होता है, माइनस कॉट है ना, कॉसेक का क्या होता है बच्चे आपके पास, माइनस कॉट ए एक्स प्लस में बी, नीचे क्या आ जाएगा ए, प्लस में हो जाएगा सी। ये चीज एक तो आपको याद रखनी थी। ठीक है, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चे जो आपको याद रखनी है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक, चलो क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। चलिए अब एक काम करो, एक है ना न्यूमेरिकल करो, चलो न्यूमेरिकल मतलब एक क्वेश्चन करो। आपको x की पावर माइनस dx का इंटीग्रेशन निकालना है, इसको इंटीग्रेट करना है, बताओ कैसे करोगे। आपको x की पावर माइनस 7 का इंटीग्रेट करना है, बताइए जल्दी से कैसे करोगे, जल्दी बताओ बच्चे। x की पावर माइनस 7 और दूसरा क्या ले लेते हैं, दूसरा आप ले लो x की पावर p बाय क्यू dx, x की पावर p बाय क्यू dx। ठीक है, और तीसरा आप क्या ले लो, इसको p बाय क्यू मत करो, एक काम करो इसको 11 बाय टू करो, इसको 11 बाय टू करो, और तीसरा क्या ले लो, x की पावर p बाय क्यू dx। यहाँ ये तीन चीजें बताओ, पहले इसका करो, फिजिक्स क्लास का टाइम क्या है, कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि अप्रैल तक, मतलब अभी जो हमारा सेशन शुरू हुआ अरस्तु बैच, यहाँ से शुरू होंगे पूछना, और जब तक पेपर नहीं आ जाएगा ना, तब तक दो क्वेश्चन मोस्ट कॉमन होते हैं, मैम बुक कौन सी यूज करें, और मैम क्लासेस की टाइमिंग्स क्या है। और सेम बच्चे ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे होते हैं, क्या बोला जाए अब इन्हें, आप देखना, आप है ना ऑब्जर्व किया करो चैट में। ठीक है, सेम बच्चे एक ही क्वेश्चन को अप्रैल मतलब 2023 में नीट के एक हफ्ते पहले तक, कुछ तो एक दिन पहले तक भी, कि मैम बुक्स कौन सी यूज करनी है, कि मैम क्लासेस के टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, मिल जाएगी श्रेया तिवारी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फोकस करो। चलो पहले ये वाला कर लेते, पहले एक काम करो ये वाला कर लो, x की पावर माइनस 7, n क्या है बच्चे आपके पास माइनस 7 है, तो x x क्या होगा, n प्लस 1 माइनस 7 प्लस में 1 अपॉन में माइनस 7 प्लस में 1, कितना आ गया x की पावर माइनस 6, ये कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, x की पावर माइनस 6, ये बच्चे आपका कितना आएगा, ये आपका माइनस 6 आएगा, तो ये आपका कितना हो गया माइनस 1 बाय 6 x की पावर माइनस 6 प्लस में c, या फिर आप इसे और भी कैसे लिख सकते हो, माइनस में 1 6 x की पावर 6 प्लस में c, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे भी आप इसे लिख सकते हैं, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, बोलो कोई परेशानी, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आया ये वाला आंसर, रीना यादव, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आ रहे हो क्लास में, तो स्वागत है आपका, है ना, बहुत जल्दी से आ गए आप। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आपको n बच्चे क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको n 11 बाय 2 दिया हुआ है, यहाँ पर बच्चे आपको n कितना दिया है, यहाँ आपको n 11 बाय
2 दिया हुआ है, चलिए तो इसका मतलब x इक्वल्स टू, मतलब द इंटीग्रेशन इज x की पावर 11 बाय 2 प्लस में 1, और ये बच्चे कितना आ जाएगा 11 बाय 2 प्लस में 1। ठीक है, पहले 11 बाय 2 प्लस में 1 को साइड में सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 11 प्लस में 2 बाय 2, 11 12 13 13 बटा 2 कितना आ जाएगा बच्चे 13 बाय 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो गया 13 बाय 2 और ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा 13 बाय 2, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 2 एक्स की पावर 13 बाय 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 13, ये आपका प्लस में सी भी आएगा। ठीक है, प्लस में सी भी आएगा 2 एक्स की पावर 2 बाय 13 एक्स की पावर 13 बाय 2 प्लस में सी। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, 2 बाय 13 एक्स की पावर 13 बाय 2 प्लस में सी। चलिए ये बच्चे आपका इसका निकल के आया, अब इसका बता दो जल्दी से, जल्दी बोलो, सॉल्व करो मेरे साथ साथ, तभी तो फायदा होगा कुछ। आज खत्म है आपकी क्लास, फूल मत भेजो, सिलेक्शन भेजो। बोलिए जल्दी से, अरे आंसर बताओ भाई, कौन सा 2 कहां से आया, ये आपका 13 बाय 2 था ना, ये आपका 13 बाय 2 था, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये आपका 2 बाय 13 हो गया। पावर में क्या है, पावर में p बाय क्यू है, पावर में बच्चे p बाय क्यू है, x की पावर p अपॉन में q, ये आपका क्या है dx है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप n देखोगे तो ये बच्चे आपका क्या है, ये आपका p बाय क्यू है, तो यहाँ पे आ जाओ, अभी कितना हो जाएगा p बाय क्यू प्लस में 1, और नीचे क्या आएगा आपका p बाय क्यू प्लस में 1, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करें मैम, द क्वेश्चन आपको ये याद होगा, तो पहले p बाय क्यू प्लस में 1 को साइड में रख लिखो, साइड में इसको सॉल्व करो, देन इसके पावर को रिप्लेस करना, तो ये क्या आ जाएगा आपका p प्लस में q अपॉन में q आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे p बाय क्यू प्लस में 1 को सॉल्व करोगे, तो ये बच्चे आपका क्या आएगा p प्लस में q, p प्लस में q अपॉन में बच्चे q आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए हाँ, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चे हाँ या ना, हाँ आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे आपका बच्चे क्या आ जाएगा, x की पावर p प्लस में q बाय q, और ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा p प्लस में q बाय q आ जाएगा। अब ये आप इसको क्या करोगे, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे, है ना, तो ऊपर क्या आएगा q अपॉन में, ये आपका हो जाएगा p प्लस में q, और पावर कितनी है इसकी x p प्लस q अपॉन में q, और बच्चे प्लस में कितना आ जाएगा c, दिस इज द इंटीग्रेशन, प्लस में कितना आएगा बच्चे आपके पास इसमें निकल कर c आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ समझ में आया है बच्चे या नहीं आया, जल्दी बोलो। मैम जी इस बार सिलेक्शन पक्का है, मेहनत जारी है, बातें मत बनाओ हिमांशु मेहरा, ठीक है अभी रुक जाओ, ये देख के क्या सिलेक्शन पक्का है, रुक जाओ अभी 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन के बाद बात करूंगी, जब मैं आपके साथ फ्रिक्शन पे आऊंगी, जब मैं आपको रोलिंग करवा रही होंगी, जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के यू नो चीजें बता रही होंगी, पोटेंशियल बता रही होंगी, अभी कुछ सिलेबस तो होने दो, तब मैं आपसे पूछूंगी कि कहाँ हूँ कहाँ हूँ, 1 महीने के बाद बिल्कुल। ठीक है चलिए आ जाओ, ये आपका हो गया। अच्छा अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बच्चे और देखते हैं, क्या है वो क्वेश्चन, क्या है बच्चे मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन, वो क्या हो सकता है। चलो लेट्स सपोज चलो सॉल्व करो इसे, इंटीग्रेट करो, बताओ कैसे करोगे,
लास्ट पॉइंट बता दीजिए, कौन से वाला लास्ट पॉइंट? ये वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। देखो हमने सिर्फ p बाय क्यू को लिखा है ना, तो अगर आप नॉर्मल देखोगे तो क्या आता है, x की पावर में n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। यहाँ पे आपका n क्या है बच्चे, यहाँ पर आपका n है p बाय क्यू, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, p बाय क्यू प्लस में वन, और बच्चे नीचे क्या आ जाएगा, p बाय क्यू प्लस में वन आ जाएगा, है ना। मैंने ये कहा आपको इस p बाय क्यू प्लस वन को सॉल्व करोगे ना या एज इट इज लिख दोगे, नहीं, इस p बाय क्यू प्लस वन को साइड में ले जाके पहले इसको सॉल्व करो कि वैल्यू आ क्या रही है। तो आपने जब इसको सॉल्व किया, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये निकल कर आएगा p प्लस क्यू अपॉन में क्यू आएगा। चलिए तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इस x को किससे रिप्लेस किया, इसको इस p बाय क्यू प्लस वन की जगह क्या लिखा, p प्लस क्यू बाय क्यू, और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू बाय क्यू, है ना। तो आपने अब क्या किया, आपने ये वाली वैल्यूज कैसी होंगी, उल्टी हो जाएंगी ना, रेसिप्रोकल हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो ये q आपका बच्चे ऊपर गया, p प्लस क्यू आपका नीचे रह गया, इंटू में आपका क्या आएगा, x p प्लस क्यू बाय क्यू, और प्लस में क्या हो गया, सी सी। तो आता ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये आपकी डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है, लिमिट्स नहीं है। अब आप कहेंगे मैम इसे कैसे करें, जब भी आपके पास कोई बहुत सारे टर्म्स है, कोई आपके पास इक्वेशन आ गई इस तरीके की, है ना, प्लस है माइनस है, इनको आप सबको अलग अलग करके लिख सकते हो। कैसे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट बच्चे कर सकते हैं, ये बात समझने वाली थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाय थ्री, माइनस बच्चे कॉस एक्स का कितना होता है, कहोगे मैम कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, प्लस में वन बाय एक्स का कितना होता है, एक्स की पावर माइनस वन नहीं लिखोगे, एक्स की पावर माइनस वन पे आपका इंटीग्रेशन नहीं होता है, वन बाय एक्स की जगह क्या आएगा आपका, ये बच्चे आपका आ जाएगा लॉग ए एक्स, ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा, प्लस में भी आएगा, प्लस में क्या आएगा, प्लस में सी भी आएगा। तो आंसर क्या आया, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस में लॉग ए एक्स प्लस में माइनस में साइन एक्स प्लस में लॉग ए एक्स प्लस में सी आएगा। बोलो क्लियर हो गई ये बात, नहीं हुई है तो जल्दी से बता दो, नहीं हुई है बच्चे तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। यस मैम नहीं आई समझ में, जल्दी बोलो। जल्दी बताओ, ठीक है। अब है ना कुछ बेसिक बातें देख लो। अब यहां तक तो क्या था, इनडेफिनाइट था, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी, तो हम सी लगा रहे थे। लेट सपोज कि मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको लिमिट के साथ दे दिया, मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको लिमिट के साथ दे दिया, ठीक है। क्या क्या दे दूं, क्या दे दूं, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स को बच्चे आपको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है, लिमिट बच्चे आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है, ये आपके पास लिमिट हो गई। अरे जितना बता रहे सिर्फ कैलकुलेशन में उतना ही यूज है, तुम मैथ्स वाले बच्चे नहीं हो ना, तुम कौन से हो, तुम तो नीट की तैयारी कर रहे हो, तो फालतू जान के क्या करोगे इसके अंदर, जितना है उतना यूज वाला देख लो बस, ठीक है। चलो अब पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे आ जाएगा ये मैम, आ जाएगा ये, है ना, यही आएगा ना आपका, सी तो लगाओगे नहीं क्योंकि लिमिट दे रखी है, लिमिट आपकी कैसे जाएंगी, ये आपकी थ्री और ये बच्चे आपकी दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस दो को इसके अंदर पुट करोगे, इस दो को इसके अंदर पुट करोगे, ठीक है। या फिर और भी अगर अच्छा तरीका बताऊं, और भी अगर अच्छा तरीका बताऊं, वन बाय थ्री का तो कुछ है नहीं पंगा, वन बाय थ्री को बाहर भी ले सकते हो, वन बाय थ्री को बच्चे आप बाहर भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी जो लिमिट पुट होगी ना वो आपकी वेरिएबल में पुट होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को आप बाहर निकाल सकते हो तो निकाल दो उसको, इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब बचा, अब आप क्या करोगे, वन बाय थ्री, एक बार एक्स की जगह दो लिखोगे, माइनस का साइन लगाओगे, और एक बार एक्स की जगह तीन लिखोगे। ये आपकी कौन सी लिमिट होती है बच्चे, ये आपकी अपर लिमिट होती है, ठीक है। और ये आपकी कौन सी लिमिट होती है बच्चे, ये आपकी लोअर लिमिट होती है,
ये आपकी लोअर लिमिट होती है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, 1/3 2 का क्यूब 8 माइनस कितना 27, ठीक है, 27 में से 8 माइनस करोगे तो नेगेटिव में कितना आ जाएगा, -19/3, ये आपका बच्चे इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। लिमिट वाला और भी करवाऊंगी, अभी ये मत सोचो इतना ही करवाना है, ठीक है, ये मत सोचना इतना ही। चलो एक काम करो, सेम ही क्वेश्चन ले लो, x²dx और इसकी लिमिट लेके जाओ 1 से लेके 5 तक, सेम मत लो, क्यूब ले लो। अब बताओ कैसे करोगे, अगेन पहले इसको क्या करो, इसको पहले इंटीग्रेट करो, कितना आ जाएगा 4/4, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके 5 तक जाएगी। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 1/4 को आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचे क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा x^4 और ये लिमिट कहां से कहां तक गई, 1 से लेके 5 तक गई। चलिए तो 1/4, ठीक है, ये आपका x की जगह आप एक बार क्या पुट करोगे 5 और x की जगह बच्चे एक बार आप क्या पुट करोगे 1, पावर तो सेम ही रहेगी ना, तो यहाँ पे 1/4 5 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया आपका 625 हो गया, माइनस में 1 तो ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा 624 अपॉन में 4 कैंसिल होगा, देख लेते हैं, 4 1 4 2 4 5 20 6 कितना आ गया बच्चे आंसर आपका 156 आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर है इतनी सी बात, नहीं है 624/4 नहीं है तो जल्दी बताओ कि हाँ मैम समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो बच्चे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर है, क्लियर है, चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा एक चीज और, लेट सपोज, पहली बात तो भाई अगर किसी भी बच्चे ने एग्जाम्पल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है और अगर आपको अपने PDF अपने DPP अपनी जो भी चीजें है ना आपको अगर टाइम से चाहिए तो आप लोग इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना बच्चों, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, कुछ स्टेप्स है, आपको प्ले स्टोर पे जाके एग्जाम्पल टाइप करना होगा, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शंस खुल के आएंगे जिसमें से आपको एग्जाम्पल सरकारी नौकरी प्रेप पे आपको क्लिक करना है, देन वहां से आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में, ठीक है। देन जब आप वो आपके फोन में ओपन होगा तो दो ऑप्शन निकल कर आएंगे, लॉगिन का या फिर रजिस्टर का। अगर आपने लॉगिन आपने पहले से किया है तो वो आपसे आपकी ID और पासवर्ड मांगेगा, उससे आप दोबारा से इन हो जाओगे। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्टर करना होगा पहले अपने आप को, अगर पहली बार कर रहे हो तो। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे जहां पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स बच्चे आपको देनी होगी, ठीक है। चलो क्लियर यहां तक, अब मैं कहां थी, हम कहां थे भाई, हम लोग थे यहां पे, आ जाओ। अगर लेट सपोज कि मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, 0 से लेके π/2 cos x और बच्चे dx को इंटीग्रेट करो, बताओ कैसे करोगे। मैम कॉल आता है एग्जाम्पल से, बोलते हैं नीट का कोई सेक्शन नहीं है, आएगा तो बता दिया जाएगा, आज शाम तक आ जाएगा, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आज शाम तक 7 बजे तक बन जाएगा नीट का सेक्शन, ठीक है। चलो जब x³ था तो आपने x^3 क्यों किया, कहां पे x³ था,
अरे बालिका बालिका बच्चे, पहले तो आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे ना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन बच्चे क्या होगा, यही तो होगा। तो एक्स थ्री प्लस वन करोगे, अपॉन में थ्री प्लस वन करोगे, पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे तभी तो बच्चा लिमिट लगाएगा। बालिका समझ गई, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे पहले तब तक जब भी तो आप इस पे अपना वो लगाओगे, लिमिट लगाओगे। हाँ क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। मैंने आपको क्या कहा, जीरो से लेके पाई बाय टू, जीरो से लेके पाई बाय टू, और किसका इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का। पहले आप ये लिमिट भूल जाओ, पहले आप इसको इंटीग्रेट करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है। अब आप बच्चे क्या लगाएंगे, अब आप मेरे प्यारे बच्चों लिमिट लगाएंगे, ठीक है। जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो एक बार आप लिखेंगे साइन पाई बाय टू, और मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप लिखेंगे साइन जीरो, ठीक है। इसको बच्चे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चे, आपका आंसर आएगा वन, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा वन। बोलो समझ में आई है या नहीं आई बात, चलो ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। क्या है होमवर्क में, आपकी जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम बाय आर ना लेके एक्स ले लो, फिर आप डी आर की फॉर्म में लिखोगे परेशान हो जाओगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी बच्चे जो लिमिट जा रही है वो जा रही है आर से लेके इन्फिनिटी तक। ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है, ये आप कर लेना। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक, और मैंने भी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट रिकॉर्ड किया था कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी, उसको जाके देख लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं समझ आ रहा है स्नेहा, बच्चे स्नेहा एक काम करना, वीडियो को शांत दिमाग से कल मॉर्निंग में देखना, ठीक है। अगर फिर भी समझना है ना तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा करवा दूंगी, एक एक्स्ट्रा क्लास लेके ना साइड वाले दोबारा करवा दूंगी, कोई परेशानी नहीं है। मेरा मेरा जो आईडी एंड जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, एक एक बच्चे को मैं साथ लेके चलना चाहती हूँ। ये नहीं कि कोई बच्चा वीक है तो मैं उसको कुछ करवाऊँ ना, नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़्यादा मेहनत करो और अच्छे अच्छी जगह पर पहुँचो, ठीक है, दुनिया से अलग चलो। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर। दिवाकर जी नहीं आया समझ में, मैम रिपीट कर दो। अब देखो क्लास का टाइम हो रहा है, फैकल्टी बाहर है, ठीक है, तो हम करेंगे करेंगे कल इसको। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहिए, हेल्दी माइंड से अपनी स्टडीज को आगे लेकर जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।